पिथौरागढ़ में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार का दिन शहर के लिए काला अध्याय साबित हुआ। फोर लेन पर दुर्घटनाओं को रोकने के प्रशासन के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। शुक्रवार देर शाम दुर्घटनाओं की घाटी चुट्टू पालू में एक साथ 8 छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची से धनबाद जा रहे एलडी मोटर नामक बस घाटी में काफ़ी तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होते हुए अपने आगे चल रही रांची से कोडरमा जा रही टाटा नेक्सन कार, दो ट्रैक्टर, एक 14 चक्का ट्रक, एक 709 ट्रक, एक 12 चक्का ट्रक और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए दूसरे लेन पर जाकर पलट गई। बस के पलटते ही चालक घटनास्थल से फरार हो गए। बस में सवार एक महिला यात्री की बस में दबकर मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से बस और अन्य वाहनों पर सवार घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दुर्घटना में महिला समेत एक अन्य व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कार में सवार तिलैया निवासी सभी चार युवक आश्चर्यजनक रूप से इस दुर्घटना में बिल्कुल सुरक्षित बच गए। कार सवार किसी युवक को एक खरोच भी नहीं आई है, जबकि बस की टक्कर से कार डिवाइडर से टकराते हुए बगल में बने नाले को तड़पते हुए पहाड़ से जा टकराई है। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेन ले जाने के लिए भी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एशिया 24 के लिए रामगढ़ से आफरीन निदा के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट।